नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप और आपके घर वाले सभी सेफ हैं इस समय। और आज के इस वीडियो का एक खास मकसद है, आज हम जानेंगे कि एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं तो क्या करना चाहिए। हम एक स्ट्रेटेजिक तरीके से देखेंगे कि हमें को इसको कैसे करना चाहिए। और ये वीडियो मैंने खास तौर से CA के कोर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया, लेकिन आप इस वीडियो को किसी भी इस स्ट्रेटेजी को किसी भी एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं। और जनरली होता क्या है, आजकल जब भी आप किसी के पास जाते हैं या बोलते हैं कि जी एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, तो एक काफी कॉमन सा जवाब आता है कि बेटा मेहनत करो, जम के मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो। मतलब मुझे ये काफी वेग लगता है, मतलब जैसे हमें तो पता नहीं था जी कि मेहनत करनी है। तो आज के में थोड़ा हम कुछ स्ट्रेटेजिकली देखेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। हम पहले अपने आप को देखेंगे, जज करेंगे हम कहाँ खड़े हैं और हमको क्या करना चाहिए किस तरीके से, ताकि श्योर शॉट हमको एक सक्सेस मिल सके। और इस सिचुएशन में जब एग्जाम्स पोस्टपोन होते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स काफी खुश होते हैं, कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ को लगता है नहीं जी बस अब बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं कर सकते, एग्जाम लीजिए और बस खत्म करिए। तो हम देखते हैं कि इन सब चीजों से गुजरना काफी नॉर्मल है और सभी के साथ कभी ना कभी होता है। तो आइए हम आगे वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इससे हम कैसे सक्सेस पा सकते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में बांटा है, Category 1, Category 2 एंड Category 3। आइए देखते हैं ये कैटेगरी क्या है। तो Category 1 है उन स्टूडेंट्स की जो आएंगे 0 to 39% में, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है और हो सकता है ये पास ना हो पाए। दूसरी कैटेगरी है हमारी Category 2, 40 to 70%, ये पास होने की कैटेगरी है, इसमें हो सकता है कि आपको एग्जेम्पशन भी मिले और एग्रीगेट में इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये पास होने की कैटेगरी है। और थर्ड कैटेगरी है 71 to 100%, ये टॉप ऑफ द लाइन स्टूडेंट्स जिनके अच्छे खासे परसेंटेज आएंगे और इवन रैंक भी आ सकती है। तो आइए, अब आपका एक सवाल होगा कि सर ये आपने कैटेगरी में तो बांट दिया, लेकिन हमको कैसे पता चले कि हमारी कौन सी कैटेगरी है? और काफी सही सवाल है, मैं भी होता तो यही पूछता। तो आइए देखते हैं कि आप सबसे पहले अपने आप को इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं, आप जान कैसे सकते हैं कि आप इसमें से किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो अगर मैं ये चीज जानना चाहता हूँ तो सबसे पहला जो आप काम करना है, एक तो आपको अपना माइंड सेट रखना है कि आपके एग्जाम्स कभी पोस्टपोन हुए नहीं, आप ये मान के चलिए कभी पोस्टपोन हुए ही नहीं है और गिवन स्केड्यूल पे जो स्केड्यूल था आप उस पे एग्जाम्स देने जा रहे हैं, तो आप घर पे बैठ के एग्जाम्स दे सकते हैं। आप क्या करिए कि सबसे पहले काफी सारे मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स इंटरनेट वगैरह पे अवेलेबल है, तो उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन टेस्ट पेपर्स के किसी भी एक सेट को लीजिए जो आपने पहले कभी सॉल्व नहीं किया, वो वाले टेस्ट पेपर लीजिए और इसको पूरी ऑनेस्टी के साथ एकदम जैसे आप एग्जाम में बैठे हैं, आप एग्जाम रूम में बैठे हैं, उस तरह से बैठ के इसको सॉल्व करिए, टाइमर लगा के सॉल्व करिए। और करने के बाद आपको खुद ही इवेल्युएट करना है, तो ये पूरा ऑनेस्टी ये आपके ऊपर है कि आप कितना ऑनेस्टली इसको करते हैं। आप इसको इवेल्युएट करिए, इवेल्युएट करके आप देखिए कि आप कितने परसेंटेज ला पाए या पास हो पाए, आप Category 1 में थे कि Category 2 में कि Category 3 में। दोस्तों, अब आपने जैसे कि अपने एग्जाम्स एक वर्चुअल एग्जाम्स दे लिए हैं, तो इन एग्जाम्स के बाद में आपको पता चल गया होगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, आप Category 1 में है, Category 2 में है या Category 3 में है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस कैटेगरी में है, हम देखेंगे कि किस कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, लेकिन आप एक चीज जरूर अब हम करेंगे नेक्स्ट, वो है SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम दिया, आपको पता चल गया होगा कि आपका आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपके किस सब्जेक्ट में आपने अच्छा किया है, किस में आप नहीं कर पाए हैं या आपने किस तरीके से इसको अटेम्प्ट किया था। तो आप स्ट्रेंथ और वीकनेस मैं आप पे छोड़ूंगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट थोड़ा हम देखेंगे कि क्या है क्या नहीं। तो इन केस अगर आप Category 1 में फॉल करते हैं तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि अगर आप Category 1 में हैं तो हम क्या करें जिससे हम Category 2 में पहुंच जाएं या Category 3 में पहुंच जाएं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एक जो आपको ये जो एक्सटेंशन हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हुआ है, सिर्फ और सिर्फ Category 1 वालों के लिए हुआ है, ताकि आप Category 2 या Category 3 में पहुंच सके। और इस में आपके पास जो सबसे बड़ी
मैं कहूंगा अपॉर्चुनिटी है इधर पे, वो है टाइम। आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और उसी के अगेंस्ट अगर मैं वीकनेस देखें तो ये भी है कि हम इतने टाइम में पूरा का पूरा कोर्स कवर नहीं कर पाएंगे, फिर से हम सब कुछ पढ़ के उसको रिवाइज करके करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि आप बिना टाइम वेस्ट करिए आप पहले तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दिन के 16 से 18 घंटे पढ़ने को कह रहा हूँ, आप 6 से 5 से 6 घंटे भी अगर आप डेली पढ़ते हैं, आप क्वालिटेटिवली पढ़ते हैं तो ये काफी होता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स इतना ही पढ़ पाते हैं और दिस इज इनफ। लेकिन जब भी आप कुछ भी पढ़े आज से, तो आप एक चीज जरूर ध्यान रखिए, दिमाग में रखिए कि जब भी आप पढ़ रहे हैं ये सोच के पढ़िए कि क्या ये चीज आपको 2 महीने बाद याद रहेगी, क्या ये चीज आप जो आज पढ़ रहे हैं आप इसको एग्जाम सेंटर तक ले जा पाएंगे, मतलब जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसका जवाब दे पाएंगे, हाँ या ना। आप एक मैं जनरली एक स्ट्रेटेजी कहूंगा जो मैं इस्तेमाल करता था, जैसे लॉ में मेरे को थोड़ा डर लगता था, तो लॉ में जनरली क्या करता था, जब भी मैं पढ़ता था तो एक चैप्टर अगर 10 पन्नों का है तो मैं एक पेज में उसको लेके समराइज करता था, मैं उसके सेक्शन लिख देता था, उसके आगे एक वर्ड लिख देता था जिससे मेरे को पूरा वो याद आ जाए, या मैं एक कोई से भी पैराग्राफ का ये 2-4 वर्ड उठाकर लिख देता था जिससे मेरे को ये पैराग्राफ याद आ जाए या ऐसा कुछ आ जाए, और उसको मैं लेके अपनी जेब में लेके दिन भर घूमा करता था, और कभी मेट्रो में कभी कहीं पे जब भी फ्री टाइम मिलता था तो उसको निकाल के मैं उस पेज को देखता था, फ्लैश कार्ड्स कहते हैं जनरली, और उनको देख के मैं याद करने की कोशिश करता था क्या मेरे को ये पूरा चैप्टर याद आ रहा है, या क्या मेरे को पर्टिकुलर सेक्शन याद आ रहा है, या कुछ भी पैराग्राफ याद आ रहा है। अगर इसका जवाब हाँ होता था तो दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन कई बार होता था याद नहीं आता था, तो इसमें मैं क्या करता था कि जो जो चीज याद नहीं आई है थोड़ा सा पैनिक सा हो जाता था, फिर मैं जल्दी से घर जाके वो बुक खोल के सबसे पहले उसको देखता था, और इसका काफी असर हुआ, मेरा इंटर में हाईएस्ट मार्क लॉ में आए थे। तो दैट्स आप भी अगर इसको इस चीज को फॉलो करेंगे, और इसका एक और जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, आप इन पेजेस में जो समराइज करें पेजेस को संभाल के रखिए, आप एक लेवल पे आके जब एग्जाम से एक दिन पहले होगा तो आप इन्हीं पेजेस को उठा के आप पूरा का पूरा कोर्स रिवाइज कर सकते हैं, और अगर आपको सब कुछ याद आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, जो याद नहीं आता आप उस पर फोकस कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आपके 10-15 चैप्टर सिर्फ 10-15 पेजेस में हो, और इसको रिवाइज करने में आपको बहुत आसानी होगी और बहुत मदद मिलेगी, यकीन मानिए मेरा। दोस्तों आइए हम बात करते हैं कैटेगरी 2 की, कि हमारी कैटेगरी 2 में हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस तो पता चल गया होगा कि आपके किस किस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हैं और किस किस में वीक हैं, तो ये अच्छी बात है। अगर मैं इसमें अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स की बात करूं तो इसमें अपॉर्चुनिटी ये है कि आप अच्छा है, आप पहली बात तो आप गिव योरसेल्फ अ बिग हैंड की, क्योंकि आप पास हुए हैं, आप पिज्जा ऑर्डर करिए, नहीं ऑर्डर मत करिए, घर पे ही बनाइए और मेरे को भी भेजिए, तो यू हैव पास्ड इट इवन इफ इट्स अ मॉक टेस्ट, इट्स अ बिग थिंग, एंड आपके पास काफी अपॉर्चुनिटी, आप नेक्स्ट लेवल कैटेगरी 3 में जा सकते हैं 71-100% में, या फिर आप का अगर मैं थ्रेट कहूँ तो वहीं आपके पास एक अच्छा थ्रेट भी है कि अगर आपने इस समय डोर छोड़ दी तो आप वापस कैटेगरी 1 में भी जा सकते हैं। तो काफी मतलब डरने की या घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप कैटेगरी 2 में आए, आपके पास होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो इसमें अगर मैं कहूँ कि जैसे आपके जो सब्जेक्ट जिनमें आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपके काफी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए आप क्या करिए कि रिवीजन टेस्ट पेपर, आरटीपीज वगैरह, प्रैक्टिस टेस्ट सेट, कुछ ना कुछ लगाते रहिए। इसको लगाने से काफी फायदा होता है, जब आप ये सारे सॉल्व करते हैं तो आपको कई बार कुछ नए नए टॉपिक पता होते हैं जो आप नहीं कर पाते हैं, तो आपको पता चलता है ओके आई हैव टू रिवाइज दिस, और अगर आप करते रहते हैं तो आपको पता रहता है कि ओके आई स्टिल हैव दैट स्ट्रॉन्ग होल्ड इन दैट सब्जेक्ट, तो इसको आप करते रहिए। जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं तो इसमें आप कोई भी मतलब जो कैटेगरी 1 में जैसे मैंने बताया था, तो आप वो टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप एक जो मैं करता था पर्सनली, मैं एक अपने वीक सब्जेक्ट्स के लिए मैं क्या मॉर्निंग इवनिंग की टेक्निक इस्तेमाल करता था। तो इसमें मैं क्या करता था, सुबह उठते ही साथ सबसे पहले मैं एक चैप्टर या आधा चैप्टर या जितना भी है कुछ ना कुछ, मैं सुबह उठते ही सबसे पहले जो मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट है जिसको मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है, मैं उसको उठाता था और उसको पढ़ा करता था। तो मॉर्निंग का टाइम अच्छा होता है, जब आप उठ के पढ़ते हैं तो वो काफी टाइम तक आपको याद रहता है,
और फिर मैं बाकी डे में अपना नॉर्मल स्केड्यूल से चलता था, और फिर मैं इवनिंग में फिर से मैं उसी को पढ़ता था। अगर मेरे को याद रह गया तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं नेक्स्ट आगे बढ़ जाता था, नहीं तो मैं रिवाइज कर लेता था। और कई बार इवनिंग में करने का एक वो भी होता था, रात को सपने में आता था। और आज मुझे सीए पास किए हुए करीब 9 से 10 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे को आज भी सपने आते रहते हैं इन चीजों के, सीरियसली। तो आप मॉर्निंग इवनिंग करिए आजकल। तो वैसे भी अगर आपका कोई टॉपिक अगर वीक है, तो आजकल मैंने देखा यूट्यूब पे काफी सारे लोगों ने पोस्ट करते रहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पोस्ट करते हैं, तो आप उस टॉपिक को सर्च करके यू नो देखते देखते भी सो सकते हैं। इट्स स्टिल अ गुड थिंग, एज लॉन्ग एज योर कॉन्सेप्ट्स आर गेटिंग क्लियर, एज लॉन्ग एज यू कैन टेक इट टू द एग्जाम, इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग। तो आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखिए, आप अपने वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग पे मूव करिए, और आप कैटेगरी 3 में श्योर पहुंच जाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम आगे चलते हैं अपनी कैटेगरी 3 की तरफ और देखते हैं कि इसमें क्या स्ट्रेटेजी होगी। तो ऑलरेडी जब आप 71-100% में हैं, तो आप मतलब मैं कहूँगा कि आपके सारे ही सब्जेक्ट अच्छे होंगे अगर आप इसमें फॉल हो रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है कि, और नॉट मैनी स्टूडेंट्स कम इन दिस कैटेगरी, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन यहाँ पे ना कुछ साइकोलॉजिकल थ्रेट्स मैं कहूँगा काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि एक चीज होती है कि मैंने देखा है स्टूडेंट्स काफी एंग्जाइटी लेवल उनका बढ़ जाता है, एंग्शियस हो जाते हैं जब ऐसे एग्जाम्स पोस्टपोन होते हैं, तो कभी ना कभी कोई ना कोई टॉपिक कोई बोल देता है या कुछ छेड़ देता है, और एकदम से दिमाग में आता है अरे यार ये टॉपिक तो मैं कैसे भूल गया, और मैं कैसे भूल सकता हूँ, काफी अंडर प्रेशर में रहते हैं। तो मैं, और मैं इसको कहता हूँ स्टडी का एक ओवरडोज हो जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए मेरा सबसे बेस्ट मैं कहूंगा कि आप रिलैक्स करिए। ऐसा कई लोगों के साथ होता है और इट्स वेरी नॉर्मल, आप रिलैक्स करिए, यू टेक अ डे एंड टू ऑफ, आप जो कुछ और अगर आपकी हॉबी है या कुछ और करते हैं वो करिए, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है उनसे बात करिए, बट एंग्शियस नहीं हुई, इससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। बट कई बार ऐसा होता है कि आप एक एक क्वेश्चन से डर रहे हैं, और कई बार वही आप सबसे पहले एग्जाम में बैठते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन वो आ जाता है, तो काफी यू नो प्रॉब्लम हो जाती है, और कई बच्चे उसके बाद फिर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। एंड व्हेन यू आर ऑलरेडी परफॉर्मिंग सो वेल बिटवीन यू नो 70-80-90%, तो मैं कहूंगा कि आपको एंग्शियस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आप रिलैक्स करिए, आप अपना नॉर्मल स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, आप जो कैटेगरी 1 या 2 में मैंने टिप्स दिए उन टिप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली अपने प्रैक्टिस सेट पेपर्स, टेस्ट पेपर वगैरह सॉल्व करते रहिए, तो इससे आपको पता रहेगा एट व्हाट प्लेस यू आर स्टैंडिंग। आपको कभी भी लगे कि अगर ये स्लिप हो रहा है, आप कुछ टॉपिक्स भूल रहे हैं, तो उसको रिवाइज करते रहिए, और आपको मतलब यू आर एट अ वेरी गुड प्लेस। इसके अलावा एक और थ्रेट होता है जो कि मैं कहूंगा जो ज्यादा खतरनाक होता है, वो होता है ओवर कॉन्फिडेंस। So, friends, there is a very thin line of difference between confidence and overconfidence. तो अगर कहीं ना कहीं अगर overconfidence आ रहा है, तो हमको खुद पता नहीं चलता है कि ये overconfidence कब आता है। और मुझे भी कभी एक ऐसा लगता था कि एक सब्जेक्ट में मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता, मेरे को कोई गलत प्रूफ कर ही नहीं सकता है, और मैं कभी किसी की बात भी नहीं सुनता था उस सब्जेक्ट के लिए। और जब एग्जाम आया, तो मैंने उसके फर्स्ट क्वेश्चन पे मोर देन हाफ एन आवर, आई मीन more than 1.5 hours, I was just solving one question only. So mere lowest marks aaye the us subject mein, I'll not name the subject, but aisa hota hai. Aur overconfidence mein bilkul bhi mat jaiye, aap bahut acha kar rahe hain, to aapko pata kaise chalega. To agar main kahun ki agar jab bhi कोई आपके पास आके कुछ टॉपिक पूछता है या कुछ पूछता है, तो आप ऐसे देखते हैं कि मतलब इसको कुछ नहीं पता है, मुझे पता है, आप उसको समझाते हैं अरे ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, और कभी भी कोई कुछ अगर बोलता है या बताने की कोशिश करता है, तो तुरंत वहीं रोक के भाई मेरे को पता है ये ऐसे होगा, वैसे नहीं होगा, देख लो बुक में देख लो, हो सकता है आप उस जगह सही हो, बट ये कहीं ना कहीं आप में ओवर कॉन्फिडेंस लेके आ रहा है। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस को रोकने के लिए सबसे पहले आपको मतलब बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, मैं कहूँगा कि अगर आपको लगता है तो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, ऑलवेज ओपन टू लर्न, लर्निंग कभी भी रोकनी नहीं चाहिए किसी भी स्टेज पे, इवन इन योर होल लाइफ यू शुड नेवर स्टॉप लर्निंग। अगर आपको लगता है कि सामने वाला कुछ बता रहा है एंड इट माइट बी गुड, इट माइट बी करेक्ट, तो आप उसको पूरा सुनिए, हो सकता है कि कुछ ना कुछ लर्न करने को मिले। अगर स्टिल एंड आई विल से स्लो डाउन अ लिटिल बिट, रीथिंक एवरीथिंग कि क्या है क्या नहीं है,
और आई मीन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम योर बिगेस्ट चैलेंजर इज यू योरसेल्फ, या मैं कहूँगा बिगेस्ट कॉम्पिटिटर इज यू योरसेल्फ। तो आपकी कॉम्पिटिशन किसी एक्स वाई या जेड से नहीं, आप ऑलरेडी आई मीन यू आर एट द टॉप, आपको उसको मेंटेन करना है। आपका जो कॉम्पिटिशन है वो आप खुद हैं। तो अगर आप आज और कल में, आज से आप अगर मैं कहूँ कि जो आने वाला कल है, अगर आप उस दिन खड़े होकर देखते हैं कि ओके जो बीत गया कल मैं उससे 0.1% बेटर हूँ, तो भी आपने कुछ ना कुछ अचीव किया है। और हमेशा उस 0.1% बेटर आप एवरी डे होते रहिए। आप इसके लिए आप हमेशा कुछ ना कुछ मतलब प्रैक्टिस, मैं वही कहूंगा फिर से रिपीट करूंगा, अपने रिवीजन टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर और अपडेट्स वगैरह रेगुलरली पढ़ते रहिए। बट ट्राई टू बिकम बेटर देन यू, ऑलवेज बिकम अ न्यूअर वर्जन ऑफ योर सेल्फ ऑन द नेक्स्ट डे। आज आप अगर वर्जन 2 हैं तो कल आप वर्जन 3 होंगे, और वर्जन 3 है तो वर्जन 4 होंगे। एज लॉन्ग एज यू डू दैट एंड यू डोंट हैव ओवर कॉन्फिडेंस, यू विल डू वेरी वेरी वेल एंड टेक इट फ्रॉम मी, आप बहुत अच्छा करेंगे। और दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो लगता है कि ये किसी भी स्टूडेंट की मदद करेगा तो प्लीज़ इसको शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया या आपके पास कोई स्पेसिफिक टिप्स है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो भी उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स फॉर योर एग्जाम एंड डू वेरी वेल। थैंक्स अ लॉट।